नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों को। बिहार के नवादा के नगर थाना क्षेत्र का एक परिवार कर्ज के बोझ में इतना दब गया था कि सभी 6 सदस्यों ने जहर खा लिया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक 15 साल की बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। पुलिस को मिले मोबाइल में कर्ज देने वाले व्यक्ति का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय समिति की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें 84 उन सीटों के हैं जहां पहले फेज में 1 दिसंबर को मतदान होना है। गुजरात में करीब 5 करोड़ मतदाता 1 और 5 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जो 8 दिसंबर को मतगणना के साथ सामने आएगा। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत पात्रा जल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 102वें दिन जेल से रिहा हुए। बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने जज एमजी देशपांडे ने बुधवार को उन्हें जमानत दे दी। आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के डाउन होने की खबर सामने आ रही थी। बताया जा रहा है कि फेसबुक के क्रिएटर स्टूडियो और फेसबुक एड मैनेजर के सही से काम नहीं करने की शिकायतें मिली है। दावा किया जा रहा है कि 10 नवंबर की सुबह 9 बजे से भारत की कुछ अहम शहरों में जैसे मुंबई और कोलकाता में दिक्कत देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार यूजर्स को फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो और फेसबुक एड मैनेजर में दिक्कतें आ रही थी। बिहार बोर्ड ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। जो छात्र बिहार बोर्ड से इस समय कक्षा 11वीं में पढ़ रहे हैं वे 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म को 30 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com से भरे जा सकते हैं। भाजपा सांसद व अभिनेता रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार के क्रम में गुजराती व भोजपुरी के मेल का एक रैप सॉन्ग बनाया है। जल्द ही इसे रिलीज किया जाएगा। इस गाने के जरिए उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के उन सवालों का जवाब दिया है जिसमें वह लोग गुजरात में क्या है कहकर भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं। रवि किशन इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भोजपुरी रैप सॉन्ग यूपी में सब्बा गाकर लोकप्रियता बटोर चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर में रहने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता को अपनी किडनी देगी। बताया गया है कि 20 से 24 नवंबर के बीच लालू कभी भी सिंगापुर जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लालू अपनी बेटी से किडनी लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। रोहिणी ने उन्हें किसी तरह तैयार किया। कम समय में लाइमलाइट पाने वाली शहनाज गिल इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, डैनी डेंजोंगपा, परिणीति चोपड़ा और नीना गुप्ता जैसे महारथियों की फिल्म ऊंचाई की हाल में ही स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग के दौरान शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फिल्म देखने के बाद शहनाज गिल काफी भावुक दिखाई दी। इतना ही नहीं, इसके अलावा वह कहती हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों के मैचों की नतीजे के भरोसे सेमीफाइनल में आई पाक टीम अब फाइनल में है। शायद यही वजह है कि इस बार पाकिस्तानी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी खुशी का इजहार अनोखे अंदाज में कर रहे हैं। बता दें कि जीत के बाद शोएब मलिक, वसीम अकरम, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो में भांगड़ा करते देखा गया। बाद में वसीम अकरम ने ट्वीट कर लिखा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, पाकिस्तानी टीम और सारे मुल्क को बधाई, अब फाइनल एंजॉय करेंगे। मालदीव में भीषण आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 9 भारतीय बताए जा रहे हैं। दमकल सेवा ने कहा है कि मालदीव की राजधानी माले में विदेशी कामगारों के आवासों में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई घायल हो गए हैं। शुरुआती खबरों के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक वाहन मरम्मत करने वाले गैरेज में लगी थी, जिसके बाद आग कई जगहों पर फैल गई। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मतदाताओं को पत्र लिखकर रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आपके वोट से मेरी ताकत और मजबूत बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी के इस पत्र राज्य को हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर में बांटा जाएगा ताकि देवभूमि के हर मतदाता को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिल सके। ट्विटर बॉस बनने के बाद सही एलन मस्क ने बुधवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य कई नेताओं और फेमस हस्तियों के ट्विटर हैंडल में ऑफिशियल लेवल जोड़ दिया था। हालांकि कुछ ही देर के बाद ऑफिशियल लेवल दिखना बंद हो गया। इस पूरे मामले पर अब ट्विटर और एलन मस्क की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप ब्लू चेक मार्क वाले यूजर्स और ऑफिशियली वेरीफाई अकाउंट के बीच अंतर कैसे कर पाएंगे। यही कारण है कि हम चुनिंदा खातों के लिए ऑफिशियल लेवल पेश कर रहे हैं। अगले साल अप्रैल मई में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर की आखिरी
परीक्षा हो सकती है, क्योंकि इसके बाद पीजी मेडिकल कोर्सेज में दाखिला एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा दिए जाने वाले नेशनल एग्जिट टेस्ट के नतीजे पर आधार पर की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड परीक्षा के बजाय नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यह परीक्षा आयोजित कर सकता है, लेकिन इस मामले पर फैसला लिया जाना बाकी है। बिग बॉस 16 में अर्चना गौतम और शिव ठाकरे के बीच सीजन की सबसे बड़ी लड़ाई देखी गई। दोनों के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि अर्चना के शो से बाहर कर दिया गया है। हालांकि यह बिग बॉस नहीं बल्कि शिव ठाकरे का फैसला था। शो के करीबी सूत्रों ने बताया कि अर्चना और शिव के बीच पहले तो बहस शुरू हुई, बाद में अर्चना शिव पर भद्दे कमेंट करती रही और उनकी जुबानी जंग देखते ही देखते लड़ाई में बदल गई। आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वह आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इस बात का पता आप उसकी SAR वैल्यू से कर सकते हैं। किसी भी स्मार्टफोन की SAR वैल्यू आप फोन के यूजर मैनुअल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फोन स्पेसिफिकेशन के साथ उसकी SAR वैल्यू भी बताती है। इसके अलावा आप मोबाइल में एक कोड से भी उसकी SAR वैल्यू पता कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से कहा कि उन्हें किसी भी आकस्मिक स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए, यह तैयारी उच्च स्तर पर होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने सैन्य कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सेना की सराहना की। बता दें कि सैन्य कमांडर सम्मेलन 11 नवम्बर तक चलेगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच सर्वे एजेंसियां जनता का मूड भांपने में जुटी है। अधिकतर में दावा किया गया है कि एक बार फिर भाजपा सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी भी जड़ जमाती दिख रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस को इस बार आपकी एंट्री से नुकसान होता दिख रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर 5 दिसंबर को मतदान होंगे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की लंबी बीमारी के बाद पिछले महीने निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो पहले दलित थे लेकिन बाद में ईसाई या मुस्लिम बन गए। इसकी वजह यह है कि इन दोनों मजहबों में अछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलन में नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दलित समुदायों के उन लोगों को आरक्षण देने की मांग की गई थी जिन्होंने बाद में इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया था। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 5 लेटर लिखा है। सुकेश ने उसे और पत्नी को दिल्ली के बाहर किसी और जेल में शिफ्ट करने की बात लिखी है। ठग ने कहा है कि मुझे आप नेताओं की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है। ठग ने कहा कि 31 अगस्त को CRPF के जवान ने मेरे साथ मारपीट की है। इस हमले से मेरे जेनिटल पार्ट में चोट आई है। RML और GTP अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बुधवार को पुणे में चुनाव आयोग के विशेष अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव आयोग पूरे देश में एक सा चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले पर आखिरी फैसला संसद के हाथ में है। चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि देश में 100 साल से अधिक उम्र वाले 2.49 लाख मतदाता हैं और करीब 1.8 करोड़ वोटर 80 साल से अधिक उम्र के हैं। चुनाव आयोग अब उन युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो 18 साल के होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की मिस्ट्री गर्ल बाबर आजम की टीम के क्रिकेटर्स को फ्लाइंग किस देती हुई नजर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मिस्ट्री गर्ल के बारे में फैंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी मुल्क की इस हसीना का नाम नताशा है और वो मूल रूप से पाकिस्तान की ही है। अब आप जल्द बिना इंटरनेट के भी OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी पसंदीदा मूवी और शो देख सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तकनीक पर काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम डायरेक्ट टू मोबाइल होगा। इसकी मदद से सरकार को सीधे नागरिकों तक अहम जानकारी पहुंचाने, इमरजेंसी अलर्ट जारी करने, फर्जी खबरों का खंडन करने के साथ आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, लेकिन इसे लोगों के लिए उपलब्ध कराने में अभी 3 से 4 सालों का समय लगेगा। सोलर एनर्जी का कमाल देखिए कि भारत ने इस साल 6 महीने में अरबों रुपए की बचत कर ली। ये बचत फ्यूल कॉस्ट यानी कि कोयले गैस पर आने वाले खर्च में की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए लगभग 190 लाख टन कोयला बचाया है। यह रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था एम्बर ने जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि सोलर पावर के क्षेत्र में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में 5 देश एशिया के हैं। इनमें चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू, गोलू कुमार, रविशंकर, राजकुमार प्रसाद, मंटोस कुमार, श्रीकांत कुमार, बाबूलाल मरांडी, रूपक कुमार, विजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कंपनी के नुकसान होने पर कर्मियों की छटाई करना कितना सही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।